गांव सोनाली स्थित पत्रकार मोहम्मद आलम के घर में कुंबल लगाकर चोरों ने की चोरी। डिडोली पुलिस को दी तहरीर। आपको बता दें कि अमरोहा जनपद डिडोली कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव सोनाली का यह पूरा मामला है। गांव के ही रहने वाले पत्रकार मोहम्मद आलम के घर में बीते बुधवार की रात को अज्ञात चोर घुसे और उन्होंने मोहम्मद आलम के घर में रखे सोने चांदी के जेवर कुछ अन्य नकदी सामान को चुराकर लगभग 2 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया, जिसके बाद इस मामले की जानकारी मिलने पर परिजनों ने डिडोली कोतवाली पुलिस को सूचना दे दी है। तहरीर देकर पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की है। देखिए इस वीडियो में। मैं मोहम्मद आलम ग्राम सोनाली का रहने वाला हूँ। मैं खुद पत्रकार हूँ। मेरे घर पर रात्रि में चोरी हुई, जिसमें सामान एलईडी, जेवरात और कपड़े और बच्ची की उसमें चीज़ें भी थी, सोने और चांदी की, और पैसे भी थे 20 से 25 हज़ार रुपये। मेरे पास में डिडोली थाना मेरे गांव के पास में है। अब मैं देखता हूँ कि पुलिस हमारे लिए क्या कार्रवाई करती है। कितना लगभग कितने कीमती माल था? क्या कीमती? सब उसमें बर्तन थे तांबे पीतल के, और कपड़े थे, टीवी थी एलसीडी, और जी कुछ हमारी एक बहन के उसमें दहेज के लिए सामान इकट्ठा कर रहे थे, उसमें सेट वगैरह थे, जो सेट मतलब दहेज में देने के होते हैं, जैसे क्या मशीन थी उसमें एक, और एक स्टील का सेट था, मतलब वो सारे ले गए। अब ये मैं देखता हूँ साहब, पुलिस हमारे लिए क्या करेगी। जिसमें हमारा एक सोने का हार था 2 तोले का, 250 ग्राम की पैरों वाली जो पाजेब होती है, चहने थी चांदी की, और हमारे उसमें बेटी के भी जो बेली में सामान था उसका, उसके नाना ने दिया था, वो भी उसी के अंदर रखा था। लाखों रुपए से ज़्यादा का हमारा जेवरात गया, प्लस उसके अलावा और सामान था हमारा, जैसे ये तांबे पीतल के बर्तन है, ये सब सामान उसी में गया।